नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन जो कि रेलवे NTPC और ग्रुप डी एग्जाम और अदर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आज के सेशन में हमारा पहला क्वेश्चन बनता है 5,2,11,23। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? देखिए, सबसे पहले हम लोग टेक्निक अपनाते हैं कि पांच में से अगर दो जाएगा तो 11 बनेगा, नहीं बनेगा। तो दोस्तों देखिए, इसके लिए एक ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ। 5 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो 10, ओके। फिर 10 में एक ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 11, ओके। तो 11 हमारा आ गया। अब यही टेक्निक हम लोग आगे करते हैं। अगर ये टेक्निक अगर लागू हो गई, अलाउ हो गई, तो ये ट्रिक से हम लोग आगे का क्वेश्चन कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 11 में तो कितना हो जाएगा, 22, और 22 में 1 ऐड कर दें तो 23। तो ये ट्रिक टेक्निक अप्लाई हो गई, ओके। तो देन हम लोग इसी प्रकार आगे भी करेंगे, 11 का मल्टीप्लाई 23 में करेंगे, ओके। तो कितना आएगा, 3 ये 2 फिर 3 2 3 5 2, मतलब 253, ओके। तो 253 तो हो गया, पीछे हम लोगों ने एक और जोड़ा था तो 253 में एक और जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 254। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए, ओके। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है 3,5,5,19,7,41,9। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग सबसे पहले आगे देखते हैं, 3 से 5 बनाते हैं तो 2 ऐड कर देते तो 5 मिल बन जाता है हमारा। अब 5 से 5 बनाए तो ये ट्रिक नहीं चलती है। अब हम लोग दूसरा मेथड लगाते हैं गाइस। दूसरा मेथड क्या होगा, एक संख्या छोड़ के हम लोग ले लेते हैं, ओके। तो 3 में कितना ऐड करें 2, तो 5 बन जाता है। अब 5 से 7 बनाए तो कितना ऐड किया, 2। अब 7 से 9 बनाए तो कितना ऐड किया, 2। ये वाला तो कंक्लूजन हमारा दूर हो गया। अब देखिए 5 से 19 बनाते हैं तो क्या होता है। तो गाइस देखिए, 5 से 19 बनाने में हमें क्या करना पड़ेगा, जितनी भी इनके बीच अभाज्य संख्या होंगी, 19 क्या लग रहा है, अभाज्य संख्या है हमारी एक, तो 5 से 19 के बीच जितनी भी अभाज्य संख्याएं वो लिख देते हैं, ओके। तो कौन कौन सी होंगी गाइस, देखिए 7 होगी एक तो 11 होगी और एक 13 होगी और एक 70, मतलब 4 अभाज्य संख्याएं इनके बीच आ रही हैं। तो आगे भी 4 ही अभाज्य संख्याएं इन लोगों के बीच आएंगी, ओके। तो 5 से 19 के बीच 4 अभाज्य संख्याएं आएंगी। अब 19 से 41 के बीच भी 4 ही आएंगी, कि कौन कौन सी हो जाएंगी, तो मैं आपको बता देता हूँ, 23 हो जाएगी, 29 हो जाएगी और 31 हो जाएगी और 37, और 37 के बाद लास्ट है हमारा 41। अब इसी प्रकार हम लोग आगे भी करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा, तो इनके बीच 4 अभाज्य संख्याएं लिख देंगे, उसके बाद पांचवी जो होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 41 के बाद 43, अगला क्या आता है, 44 होगा नहीं, 45 होगा नहीं, 46 होगा नहीं, देन हमारा जो बचता है 47, ओके। तो 47 हमारा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो देखिएगा इस 47 हो सकता है। अगला आता है 51 होगा नहीं होगा, 49 होगा नहीं होगा, तो 53, ओके। अगला आता है हमारा 54, 55, 56, 57, 57 हो सकता है नहीं हो सकता है। अगला आता है 59, तो 59 हमारा हो सकता है, तो 4 अभाज्य संख्या हो गई। 59 के बाद जो लास्ट होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। तो 59 के बाद क्या आता है, 61, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, 1,2,4,7,13,24,44, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो इसको कैसे करते हैं गाइस। देखिए गाइस, 1 को 2 में जोड़ा कितना हुआ, 3, फिर 3 को 4 में जोड़ा कितना हुआ, 7। तो मतलब 2 संख्या छोड़ के ये हमारा आंसर आ गया, ओके। तो यही ट्रिक आगे भी हम लोग अपना के देखते हैं, अगर आता है तो हमारा आंसर हो जाता है, ओके। अब क्या करेंगे, 1 से स्टार्टिंग की थी, अब 2 से स्टार्टिंग करते हैं, 2 को 4 में जोड़ा 6, अब 6 में 7 को जोड़ा तो हमारा क्या हो जाएगा, 13 मिल गया हमारा। इसी प्रकार आगे करेंगे, 4 में 7 जोड़ा 11 और 13 में 11 जोड़ा तो 24, देखिए 24 मिल गया, ओके। अब 7 में 13 जोड़ेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 7 में 13 जोड़ा 20, 20 में 24 जोड़ा तो 44 आंसर मिल गया हमें ये। अब आगे जो आएगा वो हमारा आंसर होगा, ओके। अब हम लोग 13 से स्टार्ट करते हैं, 13 में 24 जोड़ें कितना हो जाएगा, 24 और 13 कितना होता है, ये देखिए 7 3 37, 37 में 44 ऐड कीजिए, 44 में 37 ऐड करें,
कितना हो जाएगा ये 11 5 8 81, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में नोबेल को का कोड जो है ये लिखा जाता है, तो उसी संकेत भाषा में प्लेट को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, नोबेल में जितने भी अल्फाबेट हैं सबको नंबरिंग दे देते हैं। एन का क्या होता है 14, ओ का 15, बी का 2, एल का 12, ई का 5। इससे क्या बन रहा है क्यू आर ई ओ एच, इनकी भी नंबरिंग कर देते हैं 17, 18, 5, 15, 8। अब देखिए एन से क्यू बनने में कितना हुआ, ये 14 था ये भी 17 था, तो इसमें 3 ऐड हुआ। फिर ओ से आर बनने में कितना ऐड हुआ 3, फिर बी से ई बनने में कितना ऐड हुआ 3, फिर एल से ओ बनने में 3 ऐड हुआ, फिर ई से एच बनने में 3 ऐड हुआ। ओके तो मतलब 3-3 की सीरीज चले, मतलब सभी में 3 ऐड हो रहा है, तब नहीं हमें अल्फाबेट मिल रहा है। अगला हम लोग देख लेते हैं, बनाना हमें प्लेट का, तो प्लेट के अल्फाबेट के नंबरिंग दे देते हैं। पी का होता है 16, एल का होता है 12, ए का होता है 1 और टी का 20, ई का 5। आप सभी में 3-3 ऐड कर दो, इसमें 3 ऐड किया तो 19 बन गया, 19 किसका होता है एस, इसमें 3 ऐड किया 12 में तो 15 हो गया, 15 किसका होता है ओ का। अब 1 में 3 ऐड करेंगे 4, 4 किसका होता है डी। अब 20 में 3 ऐड किया तो 23, 23 होता है डब्ल्यू का। 5 में 3 ऐड किया तो 8 हो जाएगा, 8 किसका होता है एच, तो नया जो हमारा कोड हो जाएगा वो हो जाएगा एस ओ डी डब्ल्यू एच, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन जो है, कुशल है 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, दक्षिण नीचे की ओर होता है गाइस, तो 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर। ओके फिर क्या कहता है, इसके बाद भय दाई ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला। ओके तो दाई मुड़ा कितना चला 5 किलोमीटर, ये हो जाएगा 5। ओके अब कह रहा पुनः दाई ओर मुड़कर वो 7 किलोमीटर चलता है, देखिए दाई ओर चला 7 किलोमीटर। ओके अब कह रहा अंत में कुशल किस दिशा की ओर चल रहा है, तो दोस्तों देखिए स्टार्टिंग में ये जा रहा था साउथ की ओर, फिर ये जा रहा है ऊपर की ओर मतलब नॉर्थ की ओर जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा नॉर्थ उत्तर। ओके देख लीजिए आप, ये होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ ऊपर की ओर है तो नॉर्थ हमारा आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि घर को कमरा, कमरा को दरवाजा, दरवाजा को खिड़की, खिड़की को छत और छत को सीढ़ी कहा जाता तो मेहमान आएंगे तो कहाँ बैठेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन आए तो लास्ट में जाइए कि लास्ट में पूछा क्या जा रहा है। तो दोस्तों देखिए यदि मेहमान आएंगे तो कहाँ पर बैठेंगे, ऑब्वियसली हमें पता है वो आपके पास तो मतलब आपके सिर पे तो बैठ नहीं जाएंगे, वो जरूर बैठेंगे वो कमरे में बैठ जाएंगे या सोफे पे बैठ जाएंगे, जो क्वेश्चन कहा जा रहा है वही करेंगे। ओके तो गाइस देखिए यदि घर को कमरा कहा जाता है, ओके कमरा को क्या कहा जाता है दरवाजा, ओके तो कहाँ बैठेंगे कमरे में बैठेंगे, तो कमरे को कहा जा रहा है दरवाजा, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। गाइस हमारा अगला क्वेश्चन बनता है सी के जे एफ जी टी, तो यहाँ पर क्या आएगा। तो दोस्तों हम लोग पहले सी के से जे एफ कैसे बनाते हैं, सी का कोड क्या होता है 3 और जे का क्या होता है, जे का क्या होता है 10। तो दोस्तों देखिए इस पे कितना ऐड हुआ 7 ऐड हुआ, तो हमारा 10 बन गया। अब कैसे आप बनाएंगे, ओके कैसे आप बनाएंगे तो क्या होगा, के का कितना होता है 11 और एफ का कितना होता है 6, कितना घटाया 5। तो इसमें क्या हो रहा है कि पहले प्लस 7 ऐड हो रहा है और माइनस 5 डिक्रीज हो रहा है। इसी प्रकार जी टी में करेंगे हम लोग, यही बिल्कुल ट्रिक, जी का होता है 7, 7 में 7 ऐड करेंगे तो 14, 14 किसका होता है एन, एन देखिए एन होता है, तो एन देखिए ऑप्शन में किस में आ रहा है, तो ऑप्शन डी में आ रहा है, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। ओके अगला आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, यहाँ पे हमें निकालना क्या आएगा। तो सबसे पहले ए एच ओ पी से सी एस सी के एस यू बनाते हैं, क्योंकि एक का संबंध दूसरे से होता है, वही संबंध वैसा ही संबंध रिलेशन तीसरे का चौथे से होगा। ओके तो ए एच ओ पी से हम लोग पहले सी एस सी के एस यू बनाते हैं, तो गाइस देखिए ए एच ओ पी से क्या बनना है सी के एस यू, ए का कोड कितना होता है 1, सी का होता है 3, कितना ऐड हुआ प्लस 2। ओके एच का होता है 8, के का होता है 11, तो कितना ऐड हुआ प्लस 3। ओके ओ का होता है 15, एस का होता है 19 होता है, तो कितना ऐड हुआ 4, पी का होता है 16 और यू का होता है 21। ओके तो कितना ऐड हुआ 5,
मतलब सीरियल वाइज चल रहा है, पहले प्लस टू ऐड हुआ, फिर प्लस थ्री ऐड हुआ, फिर प्लस फोर ऐड हुआ, फिर प्लस फाइव ऐड हुआ। ओके, तो यही तरीका आगे अपनाएंगे इसमें वाले में। तो क्या करेंगे हम लोग, लिख लेते हैं बी जे एम एफ। बी का कोड होता है 2, जे का होता है 10, एम का होता है 14, सॉरी 13 होता है, एफ का होता है 6। देन हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। 4 किसका होता है, डी का। ओके, जे का होता है 10, तो 10 में कितना ऐड करेंगे 3, 3 ऐड किया तो 13, तो 13 किसका होता है, जे के एल एम, एल हो का होता है 12 होता है, एल एम है, एम का होता है। ओके, तो एम हो जाएगा हमारा। ओके, एम का होता है हमारा 13, फिर इसमें 4 ऐड कर देंगे तो 13 4 17, 17 किसका हो जाएगा, क्यू। और एफ का कितना होता है 6, 6 में 4 5 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 11, वो हो जाएगा के। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी एम डी एम क्यू के। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, अगला आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, यहाँ पे हमें निकालना है, तो वैसे ही करेंगे जैसे इसको आगे ऊपर किया था। तो इसको भी बना लेते हैं हम लोग, लिख लेते हैं अल्फाबेट ए ई एच एन से, क्या बनना है, बी जी के आर। तो इस सब की नंबरिंग दे देते हैं, तो इसका एक होता है, एक का होता है 5, इसका होता है 8, इसका होता है 14, इसका होता है 2, इसका 7, इसका 11, और आर का होता है 18। तो गाइस देखिए कितना ऐड हुआ इसमें, +1 ऐड हुआ, इसमें कितना ऐड हुआ +2 ऐड हुआ, इसमें कितना ऐड हुआ +3 ऐड हुआ, इसमें कितना ऐड हुआ +4। तो यही तरीका हम लोग अपनाएंगे आगे भी, मतलब इसके आगे जो अल्फाबेट आएंगे वो उसमें भी यही तरीका अपनाएंगे, +1 ऐड करेंगे, फिर +2 ऐड करेंगे, फिर +3 ऐड करेंगे, फिर +4 ऐड करेंगे। ओके, एक एक अक्षर को ले लेते हैं अल्फाबेट को, तो लिख लेते हैं डी एफ जी एन। ओके, तो डी का होता है, सबके नंबरिंग दे देते हैं 4, एफ का होता है 6, जी का होता है 7, और एन का होता है 14। तो सबसे पहले एक ऐड किया तो कितना हो जाएगा 5, 5 का इसका होता है ई का। ओके, एफ में कितना ऐड करें 2, 2 6 में 2 ऐड किया तो 8, 8 किसका होता है एच। फिर 3 ऐड करेंगे साथ में तो 10, 10 किसका होता है हो जाता है जे। फिर एन में 4 ऐड करेंगे तो 18, 18 किसका होता है, आई होप आपको पता होगा किसका होगा, तो वो होता है आर का। तो आंसर हो जाएगा हमारा ई एच जे आर, मतलब ऑप्शन है इज राइट आंसर, ई एच जे आर। ओके, अगला क्वेश्चन है डक का कोड है 69, तो बेस्ट का क्या होगा, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग दे देते हैं डी यू सी के। ओके, डी का होता है 4। ओके, वी का होता है 22, सी का होता है 3, के का होता है 11। इन सभी को ऐड करने पर क्या आएगा, 4 में 22 ऐड किया 26, 26 में 3 ऐड किया तो 29, 29 में 11 ऐड किया तो कितना हो जाएगा 40, तो 40 हमारा बन नहीं रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबके इनके विपरीत कोड लिख देंगे, मतलब डी का उल्टा क्या होता है डब्लू, वी का उल्टा होता है, आपको पता होगा बी का उल्टा क्या होता है। तो आपको जो ये वाला क्वेश्चन दिखा है आपको डी यू सी के वाला, तो इसके आप क्या करेंगे, सबके इसके विपरीत लिख देंगे, मतलब डी का उल्टा क्या होता है, सी का क्या होता है, के का क्या होगा, और जितने भी अल्फा होता है सबको लिख दीजिएगा। ओके, और उनको ऐड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार बेस्ट में भी यही करना आप, तो आपको आंसर जरूर मिल जाएगा। ओके, तो आपका ये वाले क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, आपको ये दिख रहा होगा, तो यहाँ पे हमें निकालना है, तो इसका भी आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं आपको दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, दोनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। ओके, तो गाइस इस वीडियो में इतना है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। अगला आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट करके जरूर बता दें।